जनपद कासगंज की सदर तहसील पर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सपा जिलाध्यक्ष कुंवर देवेंद्र सिंह यादव के साथ बैलगाड़ी चलाकर सरकार द्वारा लगातार डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी किए जाने पर विरोध किया। साथ ही उत्तर प्रदेश में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा, आज उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं रही है, अत्याचार सीमा से अधिक बढ़ गया है। सपा सरकार आने पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराई जाएगी। आज जो हालात हैं प्रदेश की, महंगाई में पूरा प्रदेश डूबा हुआ है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे गैस के दाम हो, आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। आम बीच के नागरिक को आज न मोटरसाइकिल चलाने की हैसियत रह गई है, न गाड़ी चलाने की हैसियत रह गई है, इसलिए हम बैलगाड़ी पर सफर करके आ गए हैं। आज हम इस देश के प्रदेश की भ्रष्टाचार की जो सरकार है, चाहे वो लोकतंत्र की हत्या हुई हो, प्रजातंत्र को वोट नहीं डालने दिया हो, लोगों के पर्चे फाड़ दिए गए हों, लोगों को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया हो, लोगों को डराया हो, धमकाया गया हो, लोगों के मकानों पर पेमास करके नक्शा नपास कराने की हिदायत देकर उनके तोड़ने का काम किया गया हो, बेरोजगार लोग लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में प्रदेश में घूम रहे हैं जिनको कोई नौकरी नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, लूट मची हुई है, पुलिस लूट रही है, प्रशासन लूट रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। यदि सपा सरकार आई तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे? हमारी सपा सरकार आई तो हम ये दावा करते हैं, जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी, जो भी लोग अन्याय कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और उनको बख्शा नहीं। अब देखिए क्या वजह रही जो सपा को प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव में हारना पड़ा? वजह क्या रही, आप देख रहे हैं लूट मची, पर्चे फाल नहीं करने दिए, मेम्बरों को के ऊपर मुकदमा, खुद के खिलाफ मुकदमा कायम हुए, आप लोगों को पता है, आप लोग सब मौके पर पहुंचे, लोगों पर मुकदमा, वोटरों पर मुकदमा कायम करा दिया गया, उनको वोट डालने का वंचित कर दिया गया, बहन बेटियों की इज्जत को लूटा गया, उनकी धुतियों को खींचा गया, चीन हरा हुआ, दुनिया में लूट और खसूट कोई न्याय है, न्याय की चीज इस प्रदेश में नहीं रही है, इसलिए हमें आज ये आंदोलन खड़ा करना पड़ा है और ये आंदोलन लगातार चलते रहेंगे जब तक चुनाव नहीं आएंगे और ये सरकार पूरी करेगी, सरकार अगर न्याय करने का काम नहीं। कासगंज से संवाददाता शिशुपाल सिंह की रिपोर्ट, RBM News India।